हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। पालक पनीर को आप लोगों ने अपने तरीके से बनाया होगा, आज मैं इसे अपने तरीके से बना रही हूँ। आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले रेसिपी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पालक पनीर। इसके लिए हमें लेना है 250 ग्राम पालक। इसे अच्छे से साफ करके दो बार पानी से धो लिया है। 250 ग्राम पनीर, दो स्मॉल साइज का प्याज, एक मीडियम साइज का टमाटर, 12 से 14 पीस लहसुन, 4 पीस हरी मिर्च। सबसे पहले एक पैन में आधा लीटर पानी डालकर गर्म करें। जब उसमें एक बॉईल आ जाए तब इसमें 2 से 3 बूंद नींबू का रस मिला दें। उसके बाद इसमें पालक डाल दें। नींबू का रस इसलिए मिलाते हैं कि पालक का कलर बरकरार रहे। पालक को सिर्फ 2 मिनट बॉईल करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा पकने पर उसका कलर चेंज हो जाएगा। 2 मिनट के बाद गैस बंद कर दें। अब पालक को गर्म पानी में 5 मिनट रहने देंगे। उसके बाद पालक को गर्म पानी से निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद पालक का बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब पैन को गर्म करेंगे। पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब पनीर को चौकोर टुकड़ों में काटकर तेल में डालेंगे। इसे हल्का सा फ्राई करना है, पनीर को ज्यादा फ्राई नहीं करना है। गैस का फ्लेम लो पे रखना है। दो मिनट के बाद पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में आधा छोटा चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग डालें। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर 2 मिनट भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखिए। जब प्याज थोड़ा सुनहरा रंग का हो जाएगा तब उसमें हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा पीस कर डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए, उसे 2 मिनट तक भूनेंगे। दो मिनट भुनने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट और टमाटर गलने तक पकाना है। अभी टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो गया है, तेल भी छूटने लगा है। अब इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच घर का गर्म मसाला पाउडर। अगर आपके पास घर का गर्म मसाला नहीं है तो कोई भी ब्रांड का गर्म मसाला डाल दें। और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। 2 मिनट हो गया है, मसाले में से तेल भी छूटने लगा है। अब इसमें 1 कप पीसा हुआ पालक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा है तो यहाँ 1 कप पालक वाला बॉईल किया हुआ पानी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पनीर डालकर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच दूध की ताजी मलाई को फेंट करके डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पालक पनीर बनकर रेडी हो गया है। इसे आप रोटी या राइस के साथ सर्व करें।